Hello dear students, today we are going to study about the working and principle of the capacitor. कल हमने capacitor से पहले जो पढ़ने की चीज़ें हैं कि एक conductor क्या होता है, how it is behave in a electrostatic field और उस behavior का हमारे capacitor में use होगा, इसलिए वो कुछ basic चीज़ें हमने study की. आज हम अच्छे से study करेंगे कि capacitor क्या चीज़ है, क्यों इसकी ज़रूरत है and on what behalf or we can say on what principle it does work. सिर्फ कल हमने जो किया था एक introduction किया था कि capacitor की introduction क्या है, तो वहीं से आज शुरू करते हैं. capacitor actual में क्या है? This is a energy storing device. energy को store क्यों करना है और कौन सी energy को store करना है? तो एनर्जी के बारे में आपको सिर्फ इतना पता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. एनर्जी को हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं. अब फॉर एग्जांपल कई बार हमारे को क्या होता है भाई, जैसे दिन में गर्मी है और शाम को हमें उस गर्मी की हीट की ज़रूरत है एट द टाइम ऑफ कुकिंग ऑफ द फूड, लेकिन शाम को तो उस वो हीट नहीं है. लेकिन अगर उस हीट को हम कहीं पे स्टोर करके रख लेते तो उसको हम रात को, दिन में, सुबह कहीं भी ज़रूरत पड़ती तो उसको हम यूज़ कर सकते थे. तो कोई स्टोरिंग डिवाइस चाहिए. दूसरा एग्जांपल, जैसे भाई हमारे यहाँ पे मान लिया शाम को पानी आता है, लेकिन हमें पानी जो है 24 आवर्स चाहिए, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी स्टोर द वाटर इन वाटर टैंक. ऐसे ही कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और अलग अलग टाइम पे ज़रूरत होती है और ऐसे ऐसे टाइम पे ज़रूरत होती है कि वो अवेलेबल नहीं होता है. तो ऐसी कोई डिवाइस चाहिए हमें जो उसको स्टोर कर सके. तो वो जो डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इट, दैट इज़ नोन एज कैपेसिटर. अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर आजकल तो हर जगह जनरेटर है, उससे आप एनर्जी कभी भी ले सकते हो. ठीक है जी, जनरेटर है सब. उससे भी बड़ा आप क्वेश्चन ये दिमाग में आता होगा कि एक बैटरी है, वो बैटरी से हम कभी भी एनर्जी ले सकते हैं. जी ले सकते हो. तो ये जो बैटरी से या जनरेटर से आप जो एनर्जी ले सकते हो, पहली बात तो ये है कि उनके अंदर स्टोर नहीं होता, वो जनरेट करते हैं जब हमें ज़रूरत हो. तो कभी कभी क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है जो कि एक बैटरी या वो जनरेटर कभी नहीं दे सकता. फॉर एग्जांपल जैसे कैमरा से हम फोटो लेते हैं और उस टाइम पे उसकी जो फ्लैश में जो लाइट होती है वो बहुत ही ज़्यादा उसको एम्पेयर करंट चाहिए, जो कि एक बैटरी से या जनरेटर से हमें कभी नहीं मिल सकता. दूसरा एग्जांपल, जैसे एक हर्ट पेशेंट को कभी कभी शॉक दिया जाता है, उस मशीन में जो मोटर लगी रहती है उसको इतना ज़्यादा करंट चाहिए एट ए इन ए माइक्रो सेकेंड या मिनी सेकेंड, मतलब एक सेकेंड दो सेकेंड का एक हज़ारवा हिस्सा, 2 मिनी सेकेंड के अंदर उसको इतना ज़्यादा करंट चाहिए जो कि एक बैटरी से या एक जनरेटर से कभी नहीं दिया जा सकता. तो अगर हमें बहुत ज़्यादा करंट की या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत है, वहाँ पे हम कैपेसिटर को जरूर यूज़ करते हैं. कैपेसिटर अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रख लेता है और जब भी उस एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है तो वो उसको दे देता है. दूसरी बात, क्या एक बैटरी जो है वो एक कैपेसिटर है? तो ये बैटरी जो है ये कैपेसिटर नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर की हमने डेफिनेशन क्या सीखी है, दिस इज ए एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म. उसके अंदर हम क्या करते हैं, चार्जेस को इकट्ठा करते हैं कैपेसिटर को और उन चार्जेस को अकॉर्डिंग टू नीड हम उनको यूज करते हैं. लेकिन बैटरी के अंदर, केमिस्ट्री में आप लोग स्टडी करते हो, बैटरी के अंदर क्या होता है, केमिकल फॉर्म में एनर्जी होती है और वो केमिकल्स की रिएक्शन होने की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है. दैट ऑल थिंग यू आर गोइंग टू स्टडी इन केमिस्ट्री, केमिकल सेल और ये सब, वहाँ पूरा डिटेल में आता है कि कैसे एक बैटरी या सेल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, कैसे केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शंस के होने से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं एंड आफ्टर मोशन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन वी गेट द इलेक्ट्रिकल करंट. तो वो क्या है, सीधा सीधा केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो हमेशा आप ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या एक बैटरी भी कैपेसिटर है? नो, बैटरी इज नॉट ए कैपेसिटर, बिकॉज डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर से दिस इज ए डिवाइस विच स्टोर इन इट इलेक्ट्रिकल एनर्जी और कोई एनर्जी नहीं. वो अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है. और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे स्टोर करता है, मतलब जैसे ये एक बॉडी है, अभी इसके ऊपर उतने ही इलेक्ट्रॉन है, उतने ही प्रोटोन है, तो दिस इज न्यूट्रल इन दिस सिचुएशन. अगर इसके ऊपर एक तरह का चार्ज देते चले जाएं, इकट्ठा करते चले जाएं, मान लिया बाहर से हमने इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन दिए, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे
और पॉजिटिव चार्ज ना तो लिया ना तो दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बाहर से लगातार देते जा रहे हैं, तो इसके ऊपर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। वो जो नेगेटिव चार्ज इस पर इकट्ठा हो जाएगा तो उस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, देर इज सम सरप्लस चार्ज ऑन इट, और उस चार्ज की वजह से इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी या इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर हो जाएगा और उसको हम जरूरत पड़ने पे यूज कर सकते हैं। और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, जैसे हमारा फैन होता है, इसमें कैपेसिटर लगा रहता है छोटा सेल टाइप में सफेद, ये क्यों होता है, स्टार्टिंग में जब हम फैन को चलाते हैं तो उस टाइम पे वो रुका हुआ होता है, उस टाइम पे उसके अंदर इनर्शिया बहुत ज्यादा होता है, उस टाइम पे हमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो जो कैपेसिटर जो होता है, या जिसको हम कंडेंसर भी बोलते हैं आम भाषा में, कंडेंसर एक्चुअली सिलिंड्रिकल कैपेसिटर को ही कंडेंसर बोलते हैं, दिस इज एग्जैक्ट टेक्निकल वर्ड नॉट इन कॉमन लैंग्वेज, तो कंडेंसर भी उसको बोलते हैं। तो वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा अपने अंदर चार्ज को स्टोर रखता है और जब हमारे को ज़रूरत होती है वो उसको इंस्टेंटली देता है, और उससे वो इतने ज़्यादा चार्ज दे देता है कि वो उस इनर्शिया को काउंटर करने के लिए, फैन को घुमाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा चार्ज दे देता है और वो आराम से उसको घुमा देता है। तो ऐसे कई बार आपने प्रैक्टिकल सिचुएशंस देखे होंगे, जैसे हमारे वाटर पंप होते हैं घर में, फैन होता है, इनके अगर कंडेंसर खराब हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि थोड़ा इनको हम अपनी तरफ से सपोर्ट दे देते हैं शुरुआत में चलाने के लिए। वाटर पंप के केस में बहुत ज़्यादा होता ही है, जो पानी वाली मोटर होती है उसको हम हाथ से बोलते हैं इसको थोड़ा सहारा दे दो चला दो, क्यों, क्योंकि उनका कंडेंसर खराब हो रखा होता है, कंडेंसर उनको प्रॉपर उतनी एनर्जी दे नहीं पाता जितनी उसको चाहिए एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। तो कैपेसिटर का काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब भी हमें ज़रूरत पड़े, बहुत ही कम टाइम के लिए, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े, वो उस एनर्जी को दे देता है। तो ये तो है इसका काम। अब दूसरा, ये एनर्जी को स्टोर कैसे करता है, कैसे इसके अंदर ये चार्जेस को ले सकता है, अगर ये लेता है तो इसको कितना ज़्यादा ले सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा लेने में इसको क्या दिक्कत है, कितना ज़्यादा स्टोर कर सकता है, और इसकी पूरी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो किस किस पे डिपेंड करती है, क्या शेप पे डिपेंड करती है, क्या साइज पे डिपेंड करती है, या कुछ और चीज़ पे, या मटेरियल पे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो कैपेसिटर इज ए एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। दिस इज एनर्जी स्टोरिंग device and this energy is electrical in nature। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, बैटरी इज नॉट ए कैपेसिटर। बैटरी कभी भी, एक तो कैपेसिटर की डेफिनेशन ही बता रही है कि इलेक्ट्रिकल को स्टोर करना है, तो बैटरी कभी भी कैपेसिटर नहीं हो सकती। कैपेसिटर क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है और ये केमिकल एनर्जी को स्टोर करता है। इसी में से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, ठीक है जी केमिकल एनर्जी को स्टोर करता है, फिर भी हम करंट तो ले सकते हैं ना उससे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो ले सकते हैं ना, फिर भी कैपेसिटर क्यों लगाते हैं? तो जितना ज़्यादा कैपेसिटर जो हमारे को करंट या एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे सकता है बहुत ही कम टाइम में, वो बैटरी कभी नहीं दे सकती। उसका क्या कारण है? फिर भी अगर आपसे कोई पूछता है कि वाई बैटरी कांट गिव सो मच करंट इन स्मॉल मिनिमम टाइम, तो उसका ये जवाब है क्योंकि बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस होता है, बैटरी के जो दो सेल्स होते हैं उनके ऊपर भी रेजिस्टेंस होता है, विच इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, और उस रेजिस्टेंस की वजह से उसमें इतना ज़्यादा करंट कभी नहीं फ्लो कर सकता जितना एक कंडक्टर के अंदर, कैपेसिटर के अंदर कर सकता है। तो बैटरी कैन नेवर बी ए कैपेसिटर। दूसरी बात, इट हैज हाई इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम कैसे स्टोर कर सकते हैं किसी के ऊपर चार्ज? फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए कंडक्टर, मान लिया ये कंडक्टर है, अगर हम इस कंडक्टर के ऊपर अभी शुरुआत में ये माने कि उतने ही पॉजिटिव चार्ज हैं और उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं, दिस इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, शुरुआत में ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है।
अब क्या होगा, हम अगर इसके ऊपर बाहर से चार्ज देते हैं, ये चार्ज दे दिया बाहर से, पॉजिटिव दो या नेगेटिव दो, लेकिन हम बाहर से इसके ऊपर एक तरह का चार्ज देते जा रहे हैं। मान लिया ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब आपको पता है कि पोटेंशियल इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0r, मतलब जितना ज्यादा आप इसको चार्ज दोगे उतना ही ज्यादा इसका पोटेंशियल बढ़ता रहेगा, बिकॉज पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, तो ये इतना ही ज्यादा हाई पोटेंशियल पे होता रहेगा। दूसरी बात हमें पता है कि E इज इक्वल टू माइनस का डीवी बाई डी आर, मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ता है उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों तरफ बढ़ जाता है, उतना ही ज्यादा इसके चारों तरफ क्या हो जाता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो जितना ज्यादा हम यहाँ पे चार्ज देंगे, ठीक है कुछ लिमिट तक ये स्टोर करता रहेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा कि इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, हाई पोटेंशियल बन जाएगा ये, और पोटेंशियल ज्यादा बढ़ना मतलब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाना। उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम जनरेट होगी, इसके चारों तरफ मान लिया ये एयर के पार्टिकल्स हैं, तो एयर जो है जनरली तो क्या होता है वो एज ए इंसुलेटर वर्क करती है। क्यों वर्क करती है, क्योंकि जो ये एयर का जो एक पार्टिकल है, इसको मैं यहां बना रहा हूं, इस पे मान लिया ये एक इलेक्ट्रॉन है ये एक प्रोटॉन है। अब इसके ऊपर जो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो इतने स्ट्रॉन्गली बाउंड रहते हैं कि वो इस एयर के पार्टिकल को छोड़ते नहीं है, और जब तक पार्टिकल्स चार्ज पार्टिकल्स छोड़ के चलना शुरू ना करें तब तक वो कोई भी चीज है वो इंसुलेटरी बनी रहती है। लेकिन अगर ये हम बहुत ज्यादा चार्जेस दे देंगे तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, और बहुत ज्यादा पोटेंशियल जनरेट हो जाने से मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाने से क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव है ये इसको इसके नेगेटिव को इधर खींचेगा और इसका पॉजिटिव उधर चला जाएगा। फिर भी हम बहुत ज्यादा चार्ज दिए जा रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये जो हमारी एयर के पार्टिकल्स पॉजिटिव और नेगेटिव जो बाउंड थे न्यूट्रल थे उसमें से नेगेटिव चार्ज, मतलब ये मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं एयर के पार्टिकल को, जो पहले पॉजिटिव और नेगेटिव बाउंड थे, अगर बहुत ही ज्यादा बाहर में हमें ये पॉजिटिव चार्ज इसके सराउंडिंग में बहुत ही ज्यादा हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे तो एक सिचुएशन एक टाइम ऐसा आ जाएगा, सॉरी एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये जो एयर के पार्टिकल्स हैं आयंस जो है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये अपने एक दूसरे को छोड़ के बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चले जाएंगे, और ये जो एयर है इसका पार्टिकल या इसका एक चार्ज इसके जो भी अगर यहाँ पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा और पॉजिटिव दूर चला जाएगा, तो ये एयर जो है इसके आयंस बन जाएंगे। तो अगर हम बहुत ज्यादा चार्ज देंगे तो आयनाइजेशन of air will start, और इस तरह की सिचुएशन आपने कभी कभी देखा होगा कि हम अगर एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है तो वहां पे क्या देखते हैं हम आसमान में या कहीं पे भी एटमोस्फियर में, बोलते हैं स्पार्किंग हो गई। वो क्या होता है एक्चुअल में, अगर एक पॉइंट पे मान लिया इस ये वायर है और इसका ये नुकीला पॉइंट है, यहाँ तो एरिया ज्यादा है लेकिन यहाँ एरिया कम है, तो अगर चार्ज पार्टिकल्स इसके ऊपर बहुत ज्यादा करंट देते चले जाएंगे हम एक वायर के अंदर, और जहां से ये पतला होता है वहां से क्या होता है उसके चारों तरफ आग हमें लगती हुई दिखाई देती है। क्यों, क्योंकि यहाँ कम एरिया में बहुत ज्यादा चार्ज आ जाता है, बहुत ज्यादा चार्ज और एरिया कम मतलब इसकी सरफेस डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो सिचुएशन क्या होती है बहुत ज्यादा चार्ज आ जाने की। और अगर वो एक लिमिट से ज्यादा चार्ज आ जाता है तो फिर वो क्या करता है एयर के पार्टिकल्स को उसके आयंस को तोड़ देता है, दैट इज नोन एज आयनाइजेशन ऑफ द एयर, जो हमें आग लगती हुई या स्पार्किंग होती हुई दिखाई देती है वो क्या है आयनाइजेशन ऑफ द एयर। तो अगर हम बहुत ही ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स इस कैपेसिटर के ऊपर देते रहेंगे, इसके अंदर बहुत ज्यादा चार्ज को स्टोर करने की कोशिश करेंगे, ये क्या करेगा ये अपने आसपास की एयर को आयनाइज कर देगा, और ये नेगेटिव अगर इधर आ गया तो फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव बनके न्यूट्रल, मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव बनके न्यूट्रल, ऐसे ही इधर से ये पॉजिटिव और एयर का नेगेटिव न्यूट्रल। तो अगर इसके ऊपर हम चार्ज देंगे तो वो क्या हो जाएगा लीक होना शुरू हो जाएगा, लीकेज ऑफ द चार्ज विल स्टार्ट इन एयर।
एक लिमिट के बाद जो हम इसके ऊपर चार्ज दे रहे हैं वो एयर में लीक होना शुरू हो जाएगा। ये सेम एग्जांपल आप अच्छे से और अच्छे से कैसे समझ सकते हो कि हमारे पास एक पानी की बाल्टी है और वो पानी की बाल्टी जो है वो कैपेसिटर की तरह काम करती है। हमें यहाँ पे 20 लीटर पानी एक साथ चाहिए। हम बोल रहे हैं कि आप टैप से ऊपर से टैप से टैप खोलो और आपके टैंक से पानी आ जाएगा, लेकिन हम बोल रहे हैं कि हमें तो एक सेकंड के अंदर 20 लीटर पानी चाहिए। तो टैप से तो नहीं आएगा, टैप से तो एक लीटर पानी मान लिया एक सेकंड में आया, कभी नहीं हो सकता। तो ये सेम एग्जांपल कैसे हो गया कि बैटरी से जो करंट आएगा, मान लिया दिस इज बैटरी, बैटरी से तो ये वायर से करंट आएगा, ये तो कभी भी मान लिया एक एम्पेयर से ज्यादा करंट नहीं आता है। तो हमें लेकिन अगर यहाँ पे चाहिए करंट 5 एम्पेयर एक सेकंड में, तो बैटरी से तो नहीं आ सकता, तो क्या करें, कैपेसिटर लगा देते हैं यहाँ पे, और ये कैपेसिटर इंस्टेंटली वर्क यहाँ पे चार्ज दे सकता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे सकता है बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज्यादा चार्ज। तो सेम एज इट इज क्या हो गया कि अगर हमारे को एक जगह पे बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत है, यहाँ पे वाटर टैंक है, हम बोलते हैं कि यहाँ से ये टैप को खोल लो, तो टैप से जो पानी आया वो तो 1 लीटर पर सेकंड आया, लेकिन हमें चाहिए 5 लीटर पर सेकंड या 20 लीटर पर सेकंड। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस बकेट को, बाल्टी को पानी की भर के रखते हैं और उसको एकदम से उल्टी कर देंगे तो वी विल गेट द 20 लीटर ऑफ वाटर इन ओनली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, जो कि इससे पॉसिबल नहीं था। तो बाल्टी में पानी कहाँ से आया, बाल्टी में पानी आया तो टैंक से ही, लेकिन इसको स्टोर कर लिया, इसको ऐसी सिचुएशन में बना लिया कि इट इज रेडी टू यूज इन वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। तो ये जो हमारा कैपेसिटर है इसके अंदर एनर्जी आती कहाँ से, इसके अंदर एनर्जी आती तो बैटरी से या जनरेटर से, जहां से हम आम जहां पे भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आम जहां से लेते हैं उसी में यहाँ से आती है। जैसे हमारे यहाँ घर में पावर हाउस से लाइट आती है या बैटरी से आती है अगर पावर हाउस से लाइट नहीं है तो, जिसको हम इन्वर्टर से बोलते हैं। तो इसके अंदर भी एनर्जी आती तो है बैटरी से या पावर हाउस से या जनरेटर से, लेकिन ये स्टोर इस तरीके से करके रखता है कि इट इज ऑलवेज रेडी टू यूज इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। हम एक स्मॉल टाइम इंटरवल के अंदर इसको एक साथ यूज कर सकते हैं, जैसे एक साथ पानी के बाल्टी के पानी को हम यूज कर सकते हैं। तो कैपेसिटर ऐसे काम करता है, लेकिन एक लिमिट के बाद एक बाल्टी के अंदर ऐसा तो नहीं है कि हम 2000 लीटर पानी को स्टोर कर लेंगे। मान लिया एक बाल्टी की जो कैपेसिटी है 20 लीटर है, उसके बाद तो उसमें क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगी, उसमें से भी निकलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर में भी ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा चार्ज देते चले गए और उसके बाद ये लेता ही रहेगा, नहीं। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, अपने सराउंडिंग में जो एयर है इसको आयनाइज कर देगा और इसका पॉजिटिव उसके साथ जाके मिलना शुरू हो जाएगा, मतलब जिसको हम आम भाषा में ये कह सकते हैं लीकेज ऑफ चार्ज विल स्टार्ट। और अगर ऐसा हो जाएगा तो हम जितना चार्ज देंगे उतना ही लीक हो जाएगा, इसके ऊपर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे एक नई चीज जो आई है, आयनाइजेशन ऑफ द एयर। तो आयनाइजेशन ऑफ एयर आपसे कोई पूछे तो क्या है कि एयर पार्टिकल्स का टुकड़ों में टूट जाना, उसके आयंस में टूट जाना, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का स्प्लिट हो जाना, दैट इज नोन एज आयनाइजेशन ऑफ द एयर। अब ये आयनाइजेशन क्यों होता है, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ जाने से, इसके चारों तरफ या एयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ जाने से। अब वो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितनी वैल्यू है, 5 न्यूटन पर कूलम, 20 न्यूटन पर कूलम, 200 न्यूटन पर कूलम, वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड की अमाउंट है जिस पे हम ये बोलेंगे कि आयनाइजेशन विल स्टार्ट। तो वो जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसका टेक्निकल नाम है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द एयर। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर क्या रिप्रेजेंट करती है, इट इज दैट मैक्सिमम अमाउंट, सॉरी, इट इज दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू विच एयर विल नॉट आयनाइज, एंड इफ इट विल क्रॉस या इट विल रीच एट दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आयनाइजेशन विल स्टार्ट, एंड वेयर आयनाइजेशन ऑफ द एयर विल स्टार्ट दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या बन गई, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वैल्यू बन गई जिसके बाद आयनाइजेशन ऑफ एयर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और आयनाइजेशन क्या होता है, ये दो जो हमारे कॉमन पॉइंट्स हैं ये कैपेसिटर में यूज हुए, लेकिन ये एक अलग से भी हमसे पूछे जा सकते हैं कि डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है और आयनाइजेशन ऑफ एयर क्या है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने एक बात का पता कर लिया
कि अगर एक सिंपल कंडक्टर है, इस सिंपल कंडक्टर पे चार्ज पर अगर हम देते चले जाएंगे लिमिट के बाद नहीं बढ़ेगा, और उसका क्या होगा, इसका एक ओवरफ्लो जैसे इसमें ही होता है, ऐसे ही लीकेज ऑफ चार्ज विल स्टार्ट। अब इसको और ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं, हम वो स्टडी करते हैं। कैसे और ज्यादा चार्ज दे सकते हैं, मान लिया दिस इज ए कंडक्टर और इसके ऊपर हम बाहर से चार्ज दे रहे हैं। पहले जो इसके ऊपर चार्ज था वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेम थे, न्यूट्रल था, तो मैं उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, जो हम बाहर से दे रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करता हूं। मान लिया ये इसके ऊपर ऐसे पॉजिटिव 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 चार्ज हमने दे दिया। पॉजिटिव चार्ज के देने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, ये फर्स्ट चैप्टर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पे कंफ्यूज मत होना कि पॉजिटिव कैसे दे सकते हैं, पॉजिटिव देने का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकालना। तो मान लिया इसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज अप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज अगर हम इस पे अप्लाई करेंगे एक लिमिट के बाद क्या होगा, आयनाइजेशन ऑफ एयर स्टार्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल, इसके ऊपर बहुत ज्यादा चार्ज देने से इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, और हाई पोटेंशियल, बहुत ज्यादा पोटेंशियल होने से क्या होता है, आयनाइजेशन। जैसे आपने देखा हाई टेंशन जो वायर होते हैं, हाई टेंशन वायर उनको क्या बोलते हैं, हाई पोटेंशियल होता है उनका, और बोलते हैं ऐसे भी कि उस वायर के पास 2 फुट या 3 फुट जाने के बाद वो अपने आप खींच लेता है, इस तरह की हमने कई बात भी सुनते हैं। वो एक्चुअल में क्या होता है कि उनका इतना ज्यादा पोटेंशियल होता है कि वो उसके आसपास की चीजों को वो आयनाइज कर सकता है। तो इसको अगर हम चार्ज देते जाएं तो इसका पोटेंशियल बढ़ जाता है और एक लिमिट के बाद हम चार्ज नहीं दे पाते। अब अगर हम इसको और ज्यादा चार्ज देना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू गिव मोर, ये हमारी विश है। ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा तो तभी पॉसिबल है इसके सराउंडिंग में हम पोटेंशियल को कम कर दें। अगर पोटेंशियल को हम कम कर दें कैसे भी, कोई ऐसी डिवाइस लगा के कि इसका, इसके चारों तरफ का पोटेंशियल कम हो जाएगा, और पोटेंशियल कम होने का मतलब है E इज इक्वल टू dV बाई dr। अगर dV घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा तो इसके चारों तरफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, एंड इट विल इफेक्ट लेस, इसके सराउंडिंग में कम इफेक्ट करेगा ये। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमने एक सिंपल क्या किया, एक दूसरा कंडक्टर लेके आए, बस ये एक सिंपल कंडक्टर है। अब इसके ऊपर अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो ये कंडक्टर तो न्यूट्रल है, तो इसके नेगेटिव 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 यहाँ पे इस साइड इकट्ठे हो जाएंगे, और इसके पॉजिटिव यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। मान लिया ये अकेला, जब ये नहीं था यहाँ पे पोटेंशियल बना रहा था 100, अब ये आ गया, इसके नेगेटिव इसके पास में है, पॉजिटिव दूर है, तो इसके नेगेटिव जो है ये यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, मान लिया दिस इज डी डिस्टेंस, तो ये क्या करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, सिर्फ नेगेटिव जो है पोटेंशियल बनाएंगे क्यू अपॉन 4πε0 r, r का मतलब ये d गैप डिस्टेंस। तो ये तो d तो थोड़ा वैल्यू ज्यादा है, मतलब इससे दूर है, इसके पास में नहीं है, ये जितना चार्ज यहाँ डेवलप हुआ चार्ज तो उतना ही डेवलप हुआ है यहाँ पे भी, लेकिन ये दूर है, ये डिस्टेंस r है, तो ऐसा नहीं कि ये जितना पोटेंशियल इसकी वजह से 100 है तो इसकी वजह से भी 100 ही बनेगा नेगेटिव की वजह से, नहीं, क्योंकि ये दूर है पास में नहीं है। तो मान लिया ये जो यहाँ पे पोटेंशियल बनाएगा, मान लिया इसने बना दिया -30, इसकी वजह से, इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल बन गया -30, इस पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल बन गया +100, और ये पॉजिटिव जो है जो कि अपोजिट कॉर्नर पे है ये भी कुछ पोटेंशियल बनाएगा यहाँ पे, मान लिया इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल बन गया 10, क्योंकि ये और ज्यादा दूर है, उल्टी साइड में है, तो नेट पोटेंशियल अब कितना हो गया, इसका पूरी का अकेली का था +100, इस नेगेटिव की वजह से हो गया -30, और इस पॉजिटिव की वजह से हो गया +10।
तो नेट कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 100 माइनस 30 80। तो पहले पोटेंशियल 100 था, अब पोटेंशियल हो गया 80 ये प्लेट लगाने से। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये प्लेट जब हम यहाँ पे लेके आए तो इसका पोटेंशियल कम हो गया, और अगर यहाँ पोटेंशियल कम हो जाता है, लो पोटेंशियल हो जाता है, हाई पोटेंशियल नहीं रहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगा, तो आयनाइजेशन नहीं होगा। जो आयनाइजेशन होने वाला था, जैसे ये 100 पे गया होने वाला था, ये पास में जब हम लेके आए तो ये क्या हो गया, इससे उसका आयनाइजेशन होना रुक गया, बिकॉज इट मेड हेयर लो पोटेंशियल। इसने क्या कर दिया, यहाँ पे पोटेंशियल को कम कर दिया। तो इसने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि यहाँ पे पोटेंशियल कम हो गया, और पोटेंशियल कम होने से आयनाइजेशन नहीं होगा। तो इसने क्या किया, पोटेंशियल का कम होना क्या है, हमें पता है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। पोटेंशियल का कम होने का मतलब क्या है कि Q भी मतलब कम हो गया, मतलब उसकी कैपेसिटी से Q कम हो गया। इसका मतलब यह नहीं कि चार्ज कम हो गया, चार्ज तो जितना दिया दिया हमने, इसका मतलब हम इसके ऊपर और ज्यादा चार्ज हम दे सकते हैं, बिकॉज Q इज इक्वल टू CV। कल हमने सीखा था ये कॉन्स्टेंट, और C की वैल्यू क्या है, Q बाई V। तो अगर पोटेंशियल कम हो जाएगा तो इससे क्या होगा, हम इसको और ज्यादा चार्ज दे सकते हैं। जैसे पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, उसके ऊपर हम और ज्यादा चार्ज देने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आयनाइजेशन नहीं होगा। जो आयनाइजेशन 100 पे होने वाला था, इसने पोटेंशियल को ही कम कर दिया, और ज्यादा चार्ज देंगे तो, और ज्यादा चार्ज देने के बाद यहाँ पे नेट जो पोटेंशियल वो 100 बनेगा, फिर हो सकता है वहां पे आयनाइजेशन हो जाए। अब इसी चीज को और ज्यादा एडवांस कैसे कर सकते हैं, इसी को और ज्यादा बेटर कैसे कर सकते हैं, अगर मैं क्या करूं, इस फिगर को दोबारा बना रहा हूं मैं, इसको हमने क्या करना है, चार्ज करना है, इसके ऊपर चार्ज को लाना है, कैपेसिटर है ये हमारा, सॉरी ये अंदर की साइड पॉजिटिव दे रहे हैं ना हम, ये तो बाहर के, ऐसे क्वेश्चन ये दिमाग में आ सकता है कि सर हमने अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव क्यों नहीं है, नहीं ये तो हम दे रहे हैं बाहर से, इंड्यूस नहीं हुआ है। जहां पे इंड्यूस होता है वहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, लेकिन ये तो हम एक्सटर्नली दे रहे हैं। तो यहाँ नेगेटिव 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 जनरेट हो गया, और इसके अपोजिट यहाँ पॉजिटिव 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 इंड्यूस हो गया। तो ये इंडक्शन ऑफ चार्ज है, इंडक्शन जब होता है तो दोनों होते हैं, और ये सिर्फ एक ही है, यहाँ एक्सटर्नल पे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ हम दे रहे हैं बाहर से, इंड्यूस नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखो, ये सीख लिया हमने कि पहले इसका 100 पोटेंशियल था, ऐसा हो जाने से पोटेंशियल कम हो गया, पोटेंशियल कम होने जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने जाने से आयनाइजेशन के चांसेस कम हो गए, और ज्यादा चार्ज देने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। अब मैं इसको और ज्यादा इंप्रूव करना चाहता हूं, मैं कुछ और ऐसा चाहता हूं कि और भी ज्यादा चार्ज दे सके। तो अगर हम इधर का जो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको नीचे अर्थ की तरफ भेज दें, अर्थिंग कर दें, तो ये पॉजिटिव तो निकल जाएगा। तो अभी जो हमने कैलकुलेशन की है जस्ट एक मिनट पहले, कि इसकी वजह से 100 था, इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पे माइनस 30 था, और इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे प्लस का 10 था। अगर ये नहीं रहेगा तो अभी तो नेट कितना आया था यहाँ पे पोटेंशियल, अभी तो नेट आया था 80, और अगर ये नहीं रहेगा, ये तो अर्थ की तरफ चला जाएगा अर्थिंग करने, तो सिर्फ ये दो ही बचेंगे, तो नेट पोटेंशियल क्या बन जाएगा, 70। तो पोटेंशियल और ज्यादा कम हो जाएगा यहाँ पे, पोटेंशियल और ज्यादा कम हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, उससे और ज्यादा हम चार्ज दे सकते हैं, क्योंकि इसकी लिमिट मान लिया 100 है, तो अब 70-100 जाएगा, पहले इसको 80-100 जाना था, तो अब ये और ज्यादा चार्ज ले सकता है। तो यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन ये ऐसे पूछेंगे कि अगर एक कैपेसिटर है, एक ये प्लेट है, इसकी कैपेसिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो क्या करें, एक सिंपल कंडक्टर को अगर इसके पास में ले आएंगे तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ये और ज्यादा चार्ज को स्टोर कर लेगा। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, हाउ कैन वी इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, कैसे बढ़ा सकते हैं, इसी को उल्टा पूछ लिया उसने कि एक दूसरी प्लेट को यहाँ पे ले आओ। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, व्हाई वी आर डूइंग अर्थिंग, अर्थिंग करने से क्या होगा कि इसका जो ये चार्ज है, इसके अपोजिट तो इधर इंड्यूस हो गया, और इसका सेम जो चार्ज वो इधर आउटर सरफेस पे इंड्यूस हो गया, वो अर्थ की तरफ चला जाएगा, तो अर्थिंग करने से कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है।
तो इस ये जो पूरा प्रोसीजर है ये हमारा प्रिंसिपल है एक कैपेसिटर का, कि एक प्लेट के ऊपर हम चार्ज को स्टोर करते हैं दूसरी प्लेट की मदद से, दूसरी प्लेट सिर्फ और सिर्फ क्या करती है उस पे चार्ज इंड्यूस हो जाता है, जो अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है वो तो यहाँ आ जाता है और जो इसी का सेम चार्ज इंड्यूस होता है वो आउटर एज पे आ जाता है, वो अर्थिंग से बाहर चला जाता है। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि इससे यहाँ पे नेट पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है और पोटेंशियल का डिक्रीज होना इलेक्ट्रिक फील्ड का डिक्रीज हो जाना इसके चारों तरफ, और आयनाइजेशन नहीं होता, लीकेज नहीं होती जिसकी वजह से। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। अब इसमें ये एक प्लेट थी, ये ऐसे लाइन जो दिखाई दे रही है एक्चुअल में दिस इज ए प्लेट, तो ऐसी ही प्लेट हम यहाँ पे ले आए और दोनों ही पैरेलल है इसलिए इसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऐसे एक प्लेट के साथ सामने दूसरी प्लेट रख दी और ये पैरेलल प्लेट तभी बनेंगे। मान लिया ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के चारों तरफ एक बड़ा सिलेंडर है, मान लिया अंदर वाले में हम चार्ज दिए जा रहे हैं और जो बाहर वाला है वो इसकी तरह बिहेव कर रहा है दूसरी प्लेट की तरह। बाहर वाली प्लेट पे क्या होगा, मैं इसको बना देता हूँ, दिस इज इंटरनल सिलेंडर जिसके ऊपर हम चार्ज देने वाले हैं एंड दिस इज एक्सटर्नल सिलेंडर, इसके ऊपर तो हम चार्ज देते रहेंगे और इसको क्या करेंगे अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। तो इसके ऊपर मान लिया ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव पूरी पे चार्ज आ गया, तो ये जो बाहर वाला सिलेंडर है इस बाहर वाले सिलेंडर में अंदर की तरफ तो नेगेटिव 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 बन जाएंगे और बाहर की तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव बन जाएंगे। तो ये जो बाहर का पॉजिटिव पॉजिटिव है जो आउटर सरफेस पे वो तो अर्थ में चला जाएगा और अंदर का नेगेटिव क्या करेगा इसके पोटेंशियल को डिक्रीज कर देगा। तो ये इस तरह का जो सिलेंडर है इसमें भी है तो ये दोनों प्लेट्स पैरेलल में ही, लेकिन इसका नाम क्या है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर सिंपल, या इसको कंडेंसर भी बोलते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। दूसरा क्या हो सकता है भाई, मान लिया एक ये ऐसे स्फीयर है, बाहर इसके एक और स्फीयर है जो गोला आप बोलते हो, तो मान लिया इस पे हम चार्ज दे रहे हैं, इसका यहाँ पे हम बहुत ज्यादा चार्ज को स्टोर करना चाहते हैं, तो ये जो बाहर वाला स्फीयर है इसके अंदर के सरफेस पे तो नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा और बाहर पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस बाहर वाला जो सरफेस है इसको हम अर्थिंग से अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, तो बाहर का पॉजिटिव तो निकल जाएगा और अंदर वाला जो है इसके नेट पोटेंशियल को डिक्रीज करने में इसकी मदद करेगा जिससे इस पे बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर हो सकता है। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब है वो ये नहीं कि सिर्फ ये पैरेलल प्लेट्स ऐसे होंगे तभी मानेंगे, सिलिंड्रिकल में भी ये जो दोनों नोड्स हैं ये पैरेलल हैं, स्फेरिकल में भी ये पैरेलल हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी शेप सिलिंड्रिकल है या स्फेरिकल है। हमारे सिलेबस में सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है लेकिन प्रिंसिपल उनका भी सेम है, सिर्फ शेप अलग है, तो उनकी शेप थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए उसको हटा दिया गया। इसकी सिंपल शेप है, इस सिंपल शेप होने की वजह से हम स्टडी करते हैं कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, किस पे डिपेंड करती है, एरिया पे या और किसी चीज पे या शेप पे, और उसकी वजह से कैसे घट सकती है कैसे बढ़ सकती है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आई होप आपने प्रिंसिपल अच्छे से सीख लिया होगा। प्रिंसिपल में बस सिंपल ये है कि जिस भी प्लेट के ऊपर आप चार्ज को स्टोर करना चाहते हो उसके पैरेलल में एक दूसरी कंडक्टिंग प्लेट ले आओ, इसका जो अंदर का सरफेस है वो इसके पोटेंशियल को घटाएगा और बाहर का सरफेस जो है उसको अर्थिंग कर देंगे ताकि उसका चार्ज सारा अर्थ में चला जाए। तो यहाँ का जो नेट पोटेंशियल जब ये नहीं था तो ज़्यादा था, इसके आ जाने से इसके चारों तरफ का पोटेंशियल कम हो जाएगा। पोटेंशियल का कम हो जाना मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कम हो जाना, इलेक्ट्रिक फील्ड का कम हो जाना मतलब चांसेस ऑफ आयनाइजेशन का कम हो जाना, और चांसेस ऑफ आयनाइजेशन का कम होना मतलब लीकेज ऑफ चार्ज का कम हो जाना। तो दिस इज द प्रिंसिपल कम्प्लीटली, मैंने एक बार रिवाइज फिर कर दिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कितनी कैपेसिटी होगी हम वो स्टडी करेंगे।
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक्चुअल में क्या होता है, मान लिया दीज आर टू प्लेट्स, इन दोनों के बीच जो है, मान लिया ये जो गैप है ये डी है, दोनों का सरफेस एरिया जो है ए है, और ये टॉपिक का नाम लिख देता हूं मैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमें ये देखना है कि इसकी कैपेसिटी कितनी होगी। हमें पता है क्यू इज इक्वल टू सी वी, क्यू इज द चार्ज, सी इज द कैपेसिटेंस एंड वी इज द पोटेंशियल। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू बाई वी, और हमें ये सी निकालना है कि पैरेलल प्लेट के केस में क्या होगा। अब हम मान लिया यहाँ पे क्यू चार्ज देते जा रहे हैं, क्यू चार्ज यहाँ जो जनरेट देते जाएंगे उतना ही इंड्यूस हो जाएगा, और इंड्यूस होने के बाद ये पॉजिटिव वाला तो अर्थ की तरफ चला जाएगा, मान लिया अगर यहाँ पॉजिटिव दिया हमने, और ये नेगेटिव वाला यहाँ हो जाएगा। बच्चे क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि सर जितना चार्ज यहाँ मान लिया पॉजिटिव क्यू दिया आपने, माइनस क्यू यहाँ जनरेट हो गया, तो नेट चार्ज तो जीरो हो गया। तो ये नहीं बोलना आपको, ये नहीं सोचना है, क्यों, क्योंकि हम जो एक प्लेट पे चार्ज दे रहे हैं हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, इससे हमारा क्या लिंक है, ये तो सिर्फ इंड्यूस हुआ ना, इसमें इंड्यूस होने के बाद आधा नीचे चला गया, बीच में ऐसा तो नहीं ना कोई कनेक्शन है इनका आपस में, बीच में तो कोई चीज नहीं है ऐसी चीज कि ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मिल जाएगा और न्यूट्रल हो जाएगा या जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। अगर इनके बीच में जो एयर है, वैक्यूम है या कोई चीज है, अगर वो आयनाइज हो गई और उसने इस चार्ज पार्टिकल्स को मिला दिया, तो फिर ये कैपेसिटर कहाँ बचेगा, वो चार्ज स्टोर करेगा ही नहीं। तो वो आपने नहीं सोचना है, सिर्फ ये सोचना है कि ये जो क्यू चार्ज हम देते जा रहे हैं, दिस इज द नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटी कितनी होगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, मान लिया क्यू जो है चार्ज हम दे रहे हैं, गिवन चार्ज, वी है पोटेंशियल, हमें एक बात का पता है कि ई इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं डायरेक्शन माइनस आ जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल जहां डिक्रीज होता है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, तो यहां से डी वी इज इक्वल टू ई इंटू डी आर, डी आर क्या है, वो डिस्टेंस है एक प्लेट के दूसरे प्लेट के बीच में, लेकिन यहाँ पे तो डी आर का मतलब क्या है, ये डी है, गैप है, तो इस वी की जगह, इस डी आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी लिख सकता हूँ, तो वी इज इक्वल टू ई इंटू डी, तो ये V की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, C की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन E इंटू डी। अब ये E क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, इस सरफेस प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, तो ये हमने सीखा है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जो लास्ट चैप्टर में अभी हमने बात की थी, एक प्लेट है उस प्लेट के सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वो थिक प्लेट में मैंने बताया था सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, तो ये इतनी भी थिन प्लेट नहीं है, थोड़ी मोटी प्लेट है, इसलिए थिक प्लेट के केस में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी का यही मतलब होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, सिग्मा की जगह क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। इस ई की वैल्यू को दोबारा यहाँ पुट करते हैं सी की वैल्यू में, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन E की वैल्यू है Q पाई A एप्सिलॉन नॉट इनटू D, ये Q से तो Q कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो सबसे नीचे एप्सिलॉन नॉट A है वो सबसे ऊपर आ जाएगा, और D एज इट इज, तो C या कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या बन गई, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और ये किस किस पे डिपेंड करती है, कैपेसिटी हमेशा डिपेंड करती है, ये प्लेट जो है इसका सरफेस एरिया क्या है, इन दोनों प्लेट के बीच में ये गैप जो है, डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, वो क्या है, दूसरी बात ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, मतलब ये मीडियम की प्रॉपर्टी के बारे में बताती है कि मीडियम कैसा है, मीडियम की प्रॉपर्टी, तो इस चीज पे डिपेंड करती है सी, कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लिया ये सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी है, सबको पता है क्यू इज इक्वल टू सी वी, सबने रट रखा है, और सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अब आपसे इस फार्मूला पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ वी डिक्रीज
the potential of a capacitor, what will happen to its capacitance? ये क्वेश्चन बड़ा ही फेमस है, पूछा जाता है कि अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका पोटेंशियल को हम डिक्रीज कर देते हैं तो C की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे वीडियो पॉज करना और आप एक बार दिमाग में सोचना, यहाँ रोक के आप सोचना कि अगर V की वैल्यू कम कर देंगे तो C का क्या होगा। तो अब दोबारा वीडियो जब आप शुरू करोगे 99% बच्चों के दिमाग में क्या जवाब आएगा कि V को अगर कम करेंगे तो C बढ़ जाएगा। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कि बना दिया, बनाने के बाद आपके हाथ में है, बोल रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि अगर इसका ऊपर पोटेंशियल को कम कर दे तो सी को क्या होगा। तो आप बोलोगे पक्का 99% स्टूडेंट की सी बढ़ेगा, लेकिन ये जो जवाब है बिल्कुल गलत है। अगर वी घटेगा तो ऐसा नहीं है कि सी बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने प्रूफ किया है कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, एरिया पे, और उन दोनों के बीच में कितना गैप है उस पे, और उन दोनों के बीच में कौन सा मीडियम है उस पे। V घटने से C नहीं बढ़ेगा। तो अब आपके क्वेश्चन आए, दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा, अगर V घटेगा तो फिर C क्यों नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि जितना V घटेगा उतना ही Q भी क्या कर जाएगा, कम हो जाएगा, दोनों सेम प्रोपोर्शन में, क्योंकि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये घटेगा तो ये भी घट जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा, लेकिन C जो है कांस्टेंट रहेगा किसी भी एक पर्टिकुलर डिवाइस के लिए। जो एक बार कैपेसिटर बन गया, जितना उसका एरिया हमने बना दिया, जितना उन दोनों के बीच में गैप दे दिया, जो उनके बीच में मीडियम डाल दिया, उसके बाद उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ने वाली, वो उसकी फिक्स हो गई, फिक्स प्रॉपर्टी ऑफ दैट डिवाइस। तो ये ऐसे आपको कन्फ्यूज कर सकता है। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप इट हियर, टुमारो वी विल डिस्कस मोर प्रॉपर्टीज एंड द सम स्पेसिफिकेशंस की इसके अंदर कोई दूसरा मीडियम डालते हैं तो क्या होता है, मीडियम की क्या प्रॉपर्टी है, दीज ऑल थिंग्स, और कैसे ये एनर्जी को स्टोर करता है। अभी तो सिर्फ चार्ज के बारे में बात किया, तो दीज ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस टुमारो। थैंक यू।